हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूडीज। एक और नया दिन, एक और नया डिश के साथ आज मैं बना रही हूँ हम सबकी फेवरेट कटोरी चाट। इसे बास्केट चाट भी कहते हैं। चाट तो आप लोगों ने बहुत ही टाइप्स के खाए होंगे, बट कटोरी चाट की बात ही कुछ और है। ये बहुत ही मजेदार सी होती है, एकदम देख कर मुँह में पानी आ जाए। और साथ में मैं बताऊंगी घर पर आसानी से कटोरी चाट की कटोरी कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज की एक मजेदार सी चटपटी सी चाट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कटोरी रेडी करूंगी। तो कटोरी के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है और अब मैं इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करूंगी। अजवाइन को ऐसे क्रश करके ऐड करें। और टेस्ट के लिए 1 टीस्पून मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। और यहाँ पे मोयन के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है, आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। और इन्हें बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और अब इस तरीके से बाइंड करके देखेंगे, ये बाइंड हो जा रहा है। इट मीन्स मैंने जो मोयन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में डाला है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा गुनगुना पानी लिया है और इसका हम एक सेमी सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। डो जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट या फिर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, जैसे हम पूड़ियों के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है। तो डो बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रखूंगी। तो 5 मिनट हो गए हैं, अब मैं एक बार इसे मसल लेती हूँ और इसके छोटे छोटे मैं पेड़े बना लूंगी। जितनी बड़ी आपको कटोरी बनानी है उस हिसाब से आप पेड़े बना लें। तो पेड़े बना लिए हैं मैंने, तो अब मैं इन्हें रोल करूंगी। तो आपको जितनी बड़ी कटोरी बनानी है उस हिसाब से आप पूड़ियां रोल करें। और जितनी कोशिश हो उतनी पतली पूड़ी रोल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी कटोरी बनेगी। तो मेरी पूड़ी जो है वो रोल हो गई है, अब मैं इसे फोक से ऐसे प्रिक कर लूंगी जिससे ये पूड़ी की तरह फूले नहीं फ्राई करते वक्त। और अब मैंने इस तरीके की एक फ्लैट कटोरी ली है, इसका बॉटम बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। इस पे अच्छे से ग्रीसिंग कर ली है, अब मैं इसे पूड़ियों पर रखूंगी और इन्हें अच्छे से बिल्कुल पूड़ी इस पे चिपका दूंगी। तो इस तरह से मैं इसे फोल्ड कर लूंगी, आप देखिए इस तरीके से थोड़ा सा ये डिजाइन भी बन जाते हैं और काफी अच्छे लगते हैं दिखने में। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे पूरी चिपका दिया है। अब पीछे से भी मैं थोड़ा सा प्रिक कर लूंगी ताकि अंदर से भी फूले नहीं। और ये जो अनइवन सा शेप है मैं उसे कट कर लूंगी और एक्स्ट्रा डो मैं निकाल लूंगी। तो ये बिल्कुल इवन से दिखने लगेंगी कटोरियां, ऊंची नीची नहीं दिखेंगी ऊपर से। तो ये देखिए, तो मेरी कटोरी बिल्कुल रेडी है। अब मैं एक एक करके सारी कटोरियां रेडी कर लूंगी। तो अब मैं कटोरियों को फ्राई करूंगी। तो मैंने थोड़ा सा डो ऑयल में डाल दिया है, बबल्स उठने लगे हैं, मींस कि ऑयल बिल्कुल परफेक्टली गर्म है। अब मैं इसमें कटोरी फ्राई होने के लिए डालूंगी। कटोरी को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और इसे थोड़ा थोड़ा ऐसे तेल हम साइड में भी डालते रहेंगे जिससे ये साइड से भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देख रहे हैं कटोरी जो है बिल्कुल अपने आप स्टील की कटोरी को छोड़ दिया है, ये देखिए बिल्कुल इजीली निकल गया, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी इसे निकालने के लिए, एकदम परफेक्ट शेप आया है कटोरी का। अब मैं इसमें अंदर भी थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी जिससे ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो मैं अब इन्हें पलट लेती हूँ, आप देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं, दोनों साइड बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो ये देखिए मेरी कटोरी बिल्कुल रेडी है फ्राई होकर, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। एकदम बढ़िया सी फ्राई हुई है मेरी कटोरी। तो मैंने कटोरी फ्राई कर ली है, अब बाकी के बची कटोरियों को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो मेरी सारी कटोरियां फ्राई हो गई हैं, आप देखिए एकदम बढ़िया सी बनी है, एकदम परफेक्ट शेप है, एकदम परफेक्ट फ्राई हुई है, खस्ता सी बनी है। आप इस कटोरी को 10 से 15 दिन आसान से स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैं फटाफट से इनकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच मटर के छोले डालूंगी, आप चाहे तो आलू या फिर काले चने भी बॉईल करके डाल सकते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा प्याज स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा पुदीना की चटनी मैंने बाद डाली है। और इसके बाद मैं यहाँ पे इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल रही हूँ जिसे मैं भर भर के डालूंगी क्योंकि मुझे खट्टी मीठी पसंद है। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा दही डाल रही हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च स्प्रिंकल करूंगी, तो थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल करेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे। चाट मसाला के बगैर तो चाट अधूरा ही है।
और लास्ट में थोड़ा सा अनारदाना स्प्रिंकल करेंगे। अगर आपके पास है तो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद एकदम लास्ट में हम थोड़ा सा पतला वाला सेब स्प्रिंकल करेंगे और ऊपर से धनिया पत्ती से इसे गार्निशिंग कर देंगे। तो एकदम लाजवाब सी चटपटी सी चाट बिल्कुल रेडी है, एकदम मुंह में पानी आ जा रही है, आप लोगों को भी आ रही होगी। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपकी कटोरी चाट कैसी बनी थी। रेसिपी पसंद आया तो मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा, और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए घर पर रहिए और सेफ रहिए।